देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 90 डिस्क हैं सबके ऊपर, ऐसे करके सपोज ये तुम्हारे पास डिस्क हैं, ठीक है, सबके ऊपर नंबरिंग की गई है, एक के ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, ये तुम्हारा चलता गया है 90 तक, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब तुम्हें पहला निकालना है, रैंडमली तुमने क्या करा, एक डिस्क चूज करी, तुम्हें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर एक 2-डिजिट नंबर हो, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो हम फर्स्ट वाला ही सॉल्व करेंगे कि 2-डिजिट नंबर कितने होंगे यहाँ पे, देखो तो फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल डिजिट कितने तुम्हारे पास, टोटल आउटकम्स है यहाँ पर 90, भाई 90 ही डिस्क है ना, तो टोटल आउटकम्स है 90, ठीक। अगर मैं बात करूँ 2-डिजिट नंबर्स की, तो देखो ये देखो 1-डिजिट निकाल लो तो 2-डिजिट खुद ब खुद ही निकलेगा, 1-डिजिट कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 9 डिजिट हैं जो 1-डिजिट हैं, है ना। तो फिर 2-डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे बताओ, 2-डिजिट नंबर्स हो जाएंगे बच्चों टोटल 90 में से, ये 9 माइनस कर दो, जितने बचे सारे 2-डिजिट हो जाएंगे, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 81, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2-डिजिट नंबर, आसान था, कितना हो जाएगा, 81/90, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9 0, फिर जाएगा 3 से, 3 9 27 और 10, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9/10, ठीक है, क्लियर है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2-डिजिट नंबर, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर, यहाँ पर ये कह रहे हैं अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, तो देखो एक तो 1 है ना, फिर 2 2 4 4 है यहाँ पर, 3 3 9 भी है यहाँ पर, 4 4 16 भी है यहाँ पर, 5 5 25। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, वही नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करें, तो देखो 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 है, 16 है, 25, 6 6 36, 7 7 49, 49 भी यहाँ पर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 8 64, वो यहीं पर है, 8 9 9 81, अगेन यहीं पर है, 10 10 100, नहीं बस ये 90 तक है। तो मेरे पास खाली यही नंबर्स हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हैं इस लिस्ट में, ठीक है। चलो इनको काउंट करके देखते हैं कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 9 है, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो जाएगी, नीचे लिख दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो तुम्हारे पास 90 है, ऊपर लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो तुम्हारे पास 9 है, ठीक है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, क्लियर, आसान था। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर, यहाँ पर ये कह रहे हैं अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 5 से, है ना, इसको थर्ड कर लो तुम, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो भाई पहला तो 5 है जो डिविजिबल है 5 से, अगला 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है यहाँ पर जो 5 से जाएगा, फिर इस लिस्ट में 30 भी एक आ रहा है, फिर एक 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, और 80 है, 85 है, और 90 भी इस लिस्ट में है जो एक नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। तो देखो कितने डिजिट वो नंबर्स हो गए, काउंट करो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो भाई ये हमारे पास 18 नंबर हैं, है कि नहीं, ठीक है, ऐसे कर देती हूँ मैं, ये 18 नंबर्स आए हैं ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5
क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, नीचे लिख दो टोटल आउटकम्स वो है 90, ऊपर लिख दो फेवरेबल आउटकम्स वो आ रहा है अभी 18, ठीक। 9 की टेबल में 9 2s are 18 और ये फिर 15 कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है सही है। तो यहाँ पे लिख दे 1/5 इज द आंसर, ठीक क्लियर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।